हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मेल या ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, यानी कि मानव में प्रजनन, इसकी बात करेंगे। अब आपको मालूम है कि जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर कैसा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसके अंदर होता है। अब कब हम कहेंगे कि वो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो सेक्सुअली मैच्योर हो गया है ना, वो सेक्सुअली मैच्योर हो गया है, यानी कि एक ऐसा टाइम पीरियड जिसके अंदर, जब ह्यूमन बीइंग के अंदर ये स्पर्म्स और ओवा का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए, स्पर्म और ओवा ये बनना स्टार्ट हो जाते हैं जर्म सेल्स के द्वारा, तब हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कह सकते हैं कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो गया, सेक्सुअली मैच्योर हो गया है। और उस फेज को क्या बोलते हैं, प्योरिटी उसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्योरिटी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट है कि ये जो कहाँ से, यानी कि कौन कौन से ऐसे चेंजेस होते हैं जो प्योरिटी के टाइम पर दिखाई देते हैं, तो कुछ कौन कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो प्योरिटी के टाइम पर दिखाई देते हैं, तो कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो कॉमन चेंजेस होते हैं जो मतलब फीमेल में और मेल में वो एक जैसे चेंजेस दिखाई देते हैं, तो वो क्या हैं। पहला है इसमें, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, जो आर्म पिट्स होती हैं और साथ ही साथ जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, आर्म पिट्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर क्या होती है, हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। और इसके साथ साथ क्या होगा कि जो स्किन है वो कैसी हो जाती है, ऑयली हो जाती है, और साथ ही साथ फेस के ऊपर क्या होते हैं, मुहासे भी निकल सकते हैं। ठीक है, ऑयली स्किन तो होगी होगी, और मे बी पॉसिबल कि जो चेहरा है उसके ऊपर मुहासे भी आ जाएँ, पिंपल्स आ जाएँ। नेक्स्ट है इसमें कि जो गर्ल्स होती हैं इनके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, कि इनके अंदर क्या होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा इसमें जो लड़कियाँ हैं वो मेंस्ट्रुएट होना स्टार्ट हो जाती हैं प्यूबर्टी स्टेज में। अब बॉयज़ के अंदर क्या चेंजेस होते हैं कि फेस के ऊपर मतलब जो हार्ड हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, जो बॉयज़ होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि दाढ़ी मूछ निकलना, यानी कि जो हार्ड हेयर ग्रोथ है वो चेहरे के ऊपर आना स्टार्ट हो जाती है। और जो आवाज़ है वो भी कैसी हो जाती है, क्रैक, यानी कि फटी फटी सी आवाज़ इसमें हो जाती है। और ये सारे जो हैं सिग्नल्स हैं वही ये बताते कि कोई जो ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन बीइंग का, और जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसा हो गया है, सेक्सुअली मैच्योर हो गया है। वही क्या दिखाएगा, सेक्सुअली मैच्योरेशन को दिखाएगा। अब मेल के अंदर कौन कौन से ऐसे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी अब हम इसमें बात करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाते हैं। तो पहला है इसमें टेस्टिस, दूसरा है इसमें वास डिफरेंस, थर्ड है इसमें यूरेथ्रा, फोर्थ है इसमें एसेसरी ग्लैंड्स एंड, ठीक, तो ये इसके चार पार्ट हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाने वाले। क्या हैं, पहला टेस्टिस है, दूसरा है इसमें वास डिफरेंस, टेस्टिस, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा और एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अब इसमें क्या है टेस्टिस, अब हम इसको आपको डायग्राम के थ्रू समझाएंगे। ये इसमें क्या होता है, ये बाहर की तरफ निकला हुआ जो राउंड स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोलते हैं, स्क्रॉटम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको कहते हैं स्क्रॉटम। ठीक, अब इस स्क्रॉटम के अंदर क्या होती हैं, दो जोड़ मतलब एक जोड़ी टेस्टिस इसके अंदर लगे लोकेटेड रहते हैं, एक जोड़ी टेस्टिस इसके अंदर लोकेटेड होते हैं। और ये जो टेस्टिस हैं इनसे एक हार्मोन निकलता है, उसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन निकलता है। और वही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी मेल ह्यूमन बीइंग के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी कैरेक्टर्स को दिखाने के लिए। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा, टेस्टोस्टेरोन। और वो कहाँ से सिक्रीट होता है, वो सिक्रीट होता है टेस्टिस से। और ये जो टेस्टिस हैं इनका वर्क क्या है, ये टेस्टिस किसे बनाते हैं, ये टेस्टिस स्पर्म्स को बनाते हैं। ये टेस्टिस से क्या फॉर्म होंगे, स्पर्म्स फॉर्म होंगे। और वो जो स्पर्म है वो यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं वास डिफरेंस, यानी कि शुक्रवाहिनी। फास्ट डिफरेंस जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और वो क्या करेगी कि यहाँ पर बने हुए जो स्पर्म्स हैं उन स्पर्म्स को अपने साथ कैरी करेगी, यानी कि अपने साथ लेकर जाएगी। और कहाँ पर डालेगी, कहाँ पर छोड़ देगी, ये यहाँ पर यूरेथ्रा के अंदर इनको पास कर देती है, यहाँ से कलेक्ट करके और कहाँ छोड़ती है, यूरेथ्रा में भेज देती है। यूरेथ्रा क्या है, यूरेथ्रा एक कॉमन पासेज है जहाँ से यूरिन और साथ ही साथ जो स्पर्म्स हैं वो बाहर की तरफ निकलते हैं। ठीक है, यूरिन और साथ ही साथ जो स्पर्म्स हैं वो बाहर की तरफ एक्सपेल्ड आउट होते हैं, उसको हम कहते हैं यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा की जो बाहर वाली ओपनिंग होती है, उस बाहर वाली ओपनिंग को क्या कहते हैं, पेनिस कहा जाता है। उस बाहर वाली ओपनिंग को क्या कहेंगे,
पेनिस कहेंगे। अब जब ये यहाँ से ये जो स्पर्म्स हैं, जब ये प्रोसेस, ये जो वास डिफरेंस है, इस वास डिफरेंस के थ्रू स्पर्म्स जो हैं यूरेथ्रा में ट्रांसफ़र हो रहे होंगे, उस टाइम पर क्या होता है कि यहाँ पर दो ग्लैंड्स मिलती हैं। एक का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड और दूसरी है यहाँ पर सेमाइनल वेसिकल। प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमाइनल वेसिकल होती हैं। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमाइनल वेसिकल हैं, इनसे एक स्पेशल टाइप का फ्लूइड सिक्रीट होता है, ठीक है। एक फ्लूइड क्या होगा, श्रावित होगा, और वो जो फ्लूइड है वो क्या करेगा कि उन स्पर्म्स में मिल जाता है। और जैसे ही वो फ्लूइड उन स्पर्म्स के अंदर मिलेगा तो जो स्पर्म्स हैं वो कैसे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं। और साथ ही साथ क्या होंगे कि ये जो फ्लूइड है वो उन स्पर्म्स को नरिशमेंट देने का भी काम करता है, यानी कि पोषण देने का काम करेगा और स्पर्म्स को स्मूथ कर देगा। और एक और बात इसमें, एक फैक्ट ये है कि जब जैसे ही ये जो फ्लूइड है उन स्पर्म्स के चारों तरफ आके लग जाता है, तब ये जो स्पर्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, ये स्पर्म कन्वर्ट हो जाते हैं सीमन में, ठीक है। और इस तरीके से जो स्पर्म है वो बॉडी से बाहर की तरफ पेनिस के थ्रू चले जाते हैं। तो ये पूरा जो सिस्टम था, ये हमने किसके बारे में बताया, आपको ह्यूमन बीइंग के बारे में बताया, और ह्यूमन बीइंग में जो मेल है, मेल ह्यूमन बीइंग के बारे में बताया। साथ ही साथ एक और बात इसमें ये है कि ये जो स्क्रोटम होता है, इस स्क्रोटम का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर के नॉर्मल टेम्परेचर जो बॉडी का होता है उससे थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर रिक्वायर होता है किसको, स्क्रोटम को, ये जो राउंड स्ट्रक्चर है इसको। इसके अंदर क्या है, टेस्टिस हैं। टेस्टिस क्या कर रहे हैं, स्पर्म्स को बनाने का काम कर रहे हैं। अब नॉर्मल टेम्परेचर क्यों चाहिए, इनका जो टेम्परेचर है नॉर्मल बॉडी से कम क्यों चाहिए, इसलिए चाहिए जिससे कि इसके अंदर जो स्पर्म्स हैं वो ईजिली फॉर्म हो जाएँ। और कहाँ पर लोकेटेड होता है जो स्क्रोटम है, ये जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, उस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर की तरफ लगे हुए क्या होते हैं, स्क्रोटम होते हैं। तो ये था पूरा का पूरा जो हमने इसमें बताया आपको, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया आपको इसमें। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। अगर ये आपको क्लियर हुआ है, समझ में आया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।